पर अब बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन इसके बाद होने वाली बीमारियों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसे देखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी को निर्देश दिए हैं कि कोई भी अपने घर दुकान के आसपास पानी जमा ना होने दे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हस्तपाल जुड़ गए हैं। हस्तपाल, पानी रुक चुका है, बारिश थम चुकी है, लेकिन फिर भी अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और अब बीमारियों को लेकर सतर्क कर रहा है सभी को कि कोई भी अपने घर आसपास दुकानों पर पानी जमा ना होने दे। किस तरीके की गतिविधियां, किस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, जिला प्रशासन किस तरीके से अपील करता हुआ जनता से नजर आ रहा है? हस्तपाल, बाढ़ के हालात का काबू पाने के बाद अब कई स्थानों पर पानी भरा हुआ है। इस मौसमी बीमारी को देखते हुए कई स्थानों पर चिकित्सा विभाग की ओर से ऑयल वॉल डालने के साथ ही नगर परिषद की ओर से फॉगिंग करवाई जा रही, ताकि किसी तरह की मौसमी बीमारी से बीमारी न फैले, न मच्छरों का प्रकोप बढ़े। ठीक है हस्तपाल, क्या अभी बारिश एक बार फिर से देखने को मिल सकती है? क्योंकि अभी तो बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है शायद कि आगे आने वाले समय में बारिश हो सकती है, ऐसा कुछ आईएमडी की तरफ से अलर्ट अगर जारी किया गया हो तो? देखा जाए तो पाली जिले के आसपास क्षेत्रों में बारिश का कई स्थानों पर दौर अब भी जारी है। इसको देखते हुए फिर भी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, ताकि इस पहले जैसे हालात इस बार न बने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हस्तपाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बारिश के थमने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है, मौसमी बीमारी से निपटने के लिए अब पूरे तरीके से मुस्तैद है जिला प्रशासन।